जथे अज किसान वालों 8 तरीक न जरा हरसा मानसा टोल सत जथेबंद वालों जरा अज शांतिपूर्वक जरा देश मतलब भारत बंद करने का सदा दिता गया नजरे रखते हुए साढ़े ना इस वेले सत जथेबंद धर्मिंदर सिंह सिवली साढ़े मौजूद ने उन्होंने गलबात करते हैं तो उन्होंने को जानते हैं कि आखिर प्रोटेस्ट काउंटर चलेगा कितों चलेगा। हाँ जी धर्मिंदर जी, अज 8 तरीक की जी कॉल आई सी जी भारत बंद की इनू लैके अजक जो धरना इस मतलब कि की मैसेज देना चाहोगे तो की मतलब सरकार को कहना चाहोगे भी जो ऑर्डिनेंस जो पास किए हैं इन बारे थोड़ा की कहना। देखो जिथे अज 8 दसंबर के जोड़ा सदा है वो भारत दियां सारियां किसान जथेबंदियां वालों सांझे तौर पर दिता गया है। जिहड़ा संयुक्त किसान मोर्चा बनिया है साडा उस मोर्चे वालों पहला सद्दा 5 नवंबर नूं भारत बंद ते चक्का दाम दा दिता गया सी उहनूं असीं नेपरे चढ़िया इसे ही हरसे मानसर टोल प्लाजे दे उत्ते। अज जिहड़ा 8 दसंबर भारत बंद दा सद्दा है उहनूं कामयाब करन दे लई पूरे भारत का हर एक स्टेट वो बड़े पद्धर से अगे आई है। हर वर्ग ने चाहे वह किसान है चाहे वह दुकानदार है व्यापारी है रेहड़ी फड़ी वाला है वो भी इस किसानी घोल दे इस भारत बंद दे विच समर्थन दे विच आया है। तो बैंकों तक भी अज बंद हो के उन्हां दे मुलाज़म इन्हां धरनियां दे विच बैठे हुए है। एक सुनेहा ते चेतावनी भी है केंद्र दे विच बैठी हुई मोदी सरकार नूं जिथे साडे किसान वड्डी गिणती दे विच दिल्ली मोर्चा ला के बैठे हुए है उत्थे पंजाब ते पंजाब दे बाहरी भारत दे विच भी वड्डी पद्धर दे उपर किसान मजदूर वो जिहड़े मोर्चे ला के बैठे हुए है। अज दी भारत बंद दा सद्दा पूर्ण तौर पर हर एक स्टेट दे विच कामयाब होया नेपरे चढ़िया है। तो चेतावनी है उस सरमाएदारी रूपी सरकार नू भी इस इन कानूनों को रद्द कराने के लिए जिहड़े मोर्चे पिछले 6 महीनों तो असी ला के बैठे हैं तो 2 महीनों तो टोल प्लाजिया के उपर बैठे हैं असी वो निरोल किसानी के बिचों आने हैं तो हाडे लई जिहड़ा जंगी पद्धर से साडा जिहड़ा माहौल हुंदा है खेतों के नाल हर 6 महीने बाद असी 1-2 दिनों के टलन वाले नहीं असी खड़े रहांगे मोर्चे जारी रखांगे जदों तक ये कानून नहीं रद्द होंगे। तो तेनू चेतावनी है भी इन कानूनों एक सकेंट भी देरी किए बगैर इन कानूनों तू सिरे तो खारिज कर नहीं तो यह होर तिखा संघर्ष ये जेड़ा हर खेत्र दे विच तैयार हो रहा वो होर तिखे संघर्ष तो होर बड़े काबले दे नाल दिल्ली नू कूच करेगा ते तेरे तक तो ताज की जिहड़ी जड़ां है उन्हूं हिला के तेरा हेठा जमीन के उपर सुटेगा। जी अज के इस प्रोटेस्ट तो बाद मोदी सरकार कोई भी एक्शन नहीं लेंदी तो उस तो बाद अपनी अगली रणनीति की होगी। देखो जथेबंदियों वालों जिस प्रकार के नाल थाई थाई जिस तरीके उपरों जिहड़ा थले मैसेज दिता जा रहा असी बड़े पद्धर से उन्होंने कामयाब कर रहे हैं तो जे कल दी 9 तरीक दे विच क्योंकि हर मीटिंग दे विच जथेबंदियां भज्जियां नहीं हाज़र रहियां चाहे जिस प्रकार दे मर्जी लारे लांदे रहियां पर आखिरी मीटिंग दे विच 1.5 घंटे दे मौन दे नाल असी सीधे 2 टक गल की है हाँ जा ना जैस जा नो तुसी जे 9 तरीक नूं क्योंकि समा मंगया इन्होंने 7 दी दोबारा मीटिंग मंगी असी वध समा दिता भी 9 तरीक तक तुहानूं समा दिता जैस जा नो दे विच फैसला दिओ ते कल दे उपर एक निर्णायक फैसला असी केंद्र दी सरकार नूं कह रहे हैं भी वह दे जे तू रद्द करता है तो सीधे हाँ दे विच जवाब दे जे नहीं करने हैं तो नो दे विच जवाब दे बाकी साडी अपने इन्हां खित्तरां दे विच वड्डे पद्दे दे उपर तैयारी है बच्चा बच्चा लैके दिल्ली दे उस मोर्चियां दे विच जेड़ा कट्ठ अड्डा 20-25 लाख की आबादी दे विच उत्ते बैठा होया पिंड बसाए होया वो होर बड़ी तादाद दे विच उत्ते बैठ के केंद्र दी सरकार दी नासज तू दे देंगे तो उन्हूं दस देंगे भी ये साढ़े लिए कानून रद्द होने जरूरी है ये ना समझे भी 2-4 दिन असी बैठ के वापस आ जाएंगे असी 6 महीनों का राशन पहला ही उत्थे लै के गए हैं तो हूँ तो उत्थे हर प्रकार का जिहड़ा लंगर लग्या होया है तो साडे हौसले बुलंद है किसानों के हौसले बुलंद है तो इन कानूनों रद्द किए बगैर असी पिछे मुड़न वाले नहीं। साढ़े धर्मिंदर सिंह जी सिवली जो कि किसान आगू ने तो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके दस्या अगर जेकर मोदी सरकार इस प्रोटेस्ट तो बाद कोई भी कार्रवाई नहीं करती है तो फिर जो संघर्ष जो वाधू अगले वधे तरीके अगे दिल्ली पार्लीमेंट तक लैके जाएगा। कैमरामैन विशाल दे नाल जॉनी गेरा थले मैसेज दिता जा रहा असी बड़े पद्धर से उन्होंने कामयाब कर रहे हैं तो जे कल दी 9 तरीक दे विच क्योंकि हर मीटिंग दे विच जथेबंदियां भज्जियां नहीं हाज़र रहियां चाहे जिस प्रकार दे मर्जी लारे लांदे रहियां पर आखिरी मीटिंग दे विच 1.5 घंटे दे मौन दे नाल असी सीधे 2 टक गल की है हाँ जा ना जैस जा नो
ਤੁਸੀਂ ਜੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਗੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੈਸ ਜਾਂ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤੇ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਸਾਡਾ 20-25 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਵਸਾਏ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਸਾ 'ਚ ਧੂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਵੀ 2-4 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਬਲੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਅਗਲੇ ਵਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਨੀ ਗਿਰਾ।